भारत और कनाडा दोनों की एक दूसरे पर तेवरियां छड़ी हुई हैं। मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी। दावा किया गया कि मोदी सरकार ने कनाडा से कहा कि वो अपने 41 राजनयिकों को भारत से वापस बुला ले। इस पर अमेरिका और ब्रिटेन को बहुत चिंता हो रही है। अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो आग्रह करते हैं कि खालिस्तान समर्थक की हत्या के विवाद को लेकर नई दिल्ली में मौजूद कनाडाई डिप्लोमैट्स की संख्या में कटौती ना हो। वहीं यूनाइटेड किंगडम कह रहा है कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो उससे सहमत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी जानकारी, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। लीजिए अन अकेडमी कॉम्बैट टेस्ट 22 अक्टूबर को और आप जीत सकते हैं 100% तक स्कॉलरशिप और ढेर सारे इनाम। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रजिस्टर करें। अब खबर पर आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने कहा है कि कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें थोड़ा सीरियसली यानी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन से ये भी कहा जा रहा है कि वो आग्रह करते हैं कि भारत कनाडा के साथ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले की जाँच में सहयोग करे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, भारत सरकार की ओर से कनाडा से ये कहा जा रहा था कि वो भारत से अपने राजनयिकों की संख्या को कुछ कम करे। कनाडाई राजनयिक भारत से वापस लौटे हैं, इस बात से हम चिंतित हैं। उधर ब्रिटेन सरकार की ओर से कहा गया, हम भारत सरकार की तरफ से लिए गए निर्णयों से सहमत नहीं हैं जिसके तहत कुछ कनाडाई राजनयिक भारत से वापस लौट रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका ने वियना कन्वेंशन का हवाला दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है, हम उम्मीद करते हैं कि भारत राजनयिक संबंधों पर 1961 वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को बरकरार रखेगा। वहीं ब्रिटेन के विदेश विभाग ने कहा, राजनयिकों की सुरक्षा प्रदान करने वाले विशेषाधिकारों को एक तरफा हटाना वियना कन्वेंशन के सिद्धांतों या प्रभावी कामकाज के मुताबिक नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में बताया, भारत में कनाडाई डिप्लोमैट से जुड़े कनाडा सरकार के 19 अक्टूबर वाले बयान को हम सबने देखा है। दोनों देशों में मौजूद डिप्लोमैट्स की संख्या में समानता की बात की गई थी। भारत में कनाडाई डिप्लोमैट्स की संख्या ज़्यादा है जिस वजह से भारत के आंतरिक कामकाज में उनका दखल हो रहा था। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से आगे कहा गया कि भारत सरकार इसको लेकर पिछले एक महीने से कनाडाई सरकार के साथ काम कर रही थी। उसके फैसले वियना समझौते के आर्टिकल 11.1 के तहत हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत समानता लागू करने के फैसले को समझौते का उल्लंघन नहीं मानता। बीते 18 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने भारत के एक डिप्लोमैट को भी निकाल दिया, जिसके जवाब में भारत ने भी उनके एक डिप्लोमैट को निष्कासित कर दिया था। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाएँ भी बंद कर दी। तकरार बढ़ती गई। भारत ने कुछ दिन पहले कनाडा से अपने राजनयिकों की संख्या कम करने को कहा था। चेताया गया था कि ऐसा नहीं करने पर सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। अब राजनयिकों को वापस बुलाने की घोषणा के बाद 20 अक्टूबर को ओंटारियो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें ट्रूडो ने कहा, भारत सरकार भारत और कनाडा में लाखों लोगों के लिए जीवन को अविश्वसनीय रूप से मुश्किल बना रही है। वो कूटनीति के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं लाखों भारतीय कनाडाई लोगों की भलाई और खुशी के लिए बहुत चिंतित हूँ। ट्रूडो ने आगे कहा, कनाडा के राजनयिकों को निकालने से ट्रैवल और बिजनेस में बाधा आएगी और कनाडा में पढ़ने वाले भारतीयों के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। बता दें, कनाडा में करीब 20 लाख भारतीय रहते हैं जो वहां की कुल आबादी का 5% है। कनाडा में बाहर से पढ़ने गए छात्रों में सबसे ज़्यादा संख्या भारतीयों की है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस पर क्या है आपकी राय में कॉमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी हिमांशु ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन डॉट। शुक्रिया।